Hey guys, welcome back to the channel. एक और नई सुबह के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो पे। फिलहाल मैं रुका था एक मंदिर पे और इस जगह का नाम आई थिंक बछेरी खाल, या इस जगह का नाम है बछेरी खाल। और बहुत ही अच्छी जगह है, मेरे पीछे का व्यू है बहुत ही शानदार सा। रात में बहुत ही बारिश हुई तो यहाँ पे मतलब ठंड है इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है, और बारिश की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा अभी है, तो अभी तो निकलने का कोई प्लान नहीं है मेरा। बट मे बी आफ्टर 1 या 2 आवर्स में मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। बट रात को मैं अगर बात बताऊँ तो रात में मैंने दाल चावल खाया और अपना टेंट यहीं पे लगा के सो गया। टेंट मेरे आपको लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे टेंट लगाया। सो यार, तो मैंने ब्रश कर लिया है, तो चाय और ब्रेड खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे, बारिश का मौसम देखेंगे और फिर यहाँ से सामान समेटेंगे और फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो मिलते हैं ऋषिकेश में। तरीके 3 घंटे के बाद टोटल मौसम जाके अब जाके साफ हुआ है यार। ब्रो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये क्या यार, रास्ते ऐसे हैं। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो यार, 3 घंटे के बाद अब जाके मौसम फ्रेश हुआ है बिल्कुल। बैठे बैठे बोरिंग से हो गए थे। ये देखो बंदर यार, अरे बंदर, हाय यार, वीडियो मजा आ गया होगा देख के आप लोगों को, मजा आ जाएगा कसम से बता रहा हूँ। वीडियो आपको देख के मजा आ जाएगा। बहुत सारे बंदर हैं, लैंडस्लाइड कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हुआ है इधर इधर, बहुत ही कम लैंडस्लाइड है क्योंकि इधर जो है ना पहाड़ काफ़ी ना कम है, पहाड़ ऊँचे ज़्यादा पहाड़ नहीं है क्योंकि हम लोग डाउन की तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए पहाड़ बहुत ही कम है। और मौसम जो इधर थोड़ा थोड़ा ख़राब रहता है, सुबह 10 बजे के बाद ही मौसम सही होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 3 घंटे के बाद। एक्चुअली मैं उठा हूँ 8 बजे, फिर भी 3 घंटे यानी कि 11:30 के बाद ही मौसम सही हुआ है इधर, तो काफ़ी लेट हो गया है। बट कोई नहीं, लगता है शाम तक हम लोग ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और गाय माता आ गई, तो वीडियो पे नए सॉरी मतलब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नज़ारा देखते रहिए आप लोग नज़ारे के साथ साथ। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैंने बोलना भूल गया, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब और लाइक, साथ ही वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हो मत सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो बहुत हुआ, इसके मिलते हैं। इधर का मौसम देखो यार कैसा है, बिल्कुल चेंज हो गया। अभी उधर मौसम सही था बट यहाँ पे जो है मौसम ना बिल्कुल ख़राब हो गया यार। कभी मतलब यहाँ पे ना कोई सीन नहीं है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी बारिश। ये देखो कहाँ घुसा रहा है, ऐसे ही होता है एक्सीडेंट, घुसे जा रहा है। अट गए नहीं, आप आराम से, देखिए यहाँ देखो यार इतना सारा लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर भाई दबे अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, अगर बीच में गाड़ी आ गई तो फिर गाड़ी तो गई काम से, वन वे हो गया ये, टू वे से यार देखो वन वे भी नहीं बचा, हाफ वे बच गया। और तिरकी ये नज़ारा गजब है, ये ना असली मज़ा है राइडिंग का, अब ना मज़ा आ रहा है यार देखो ऐसे यार, इसीलिए बोलता हूँ राइडिंग करो। तो तिरकी कचड़े उड़े रहे कितने, ये है मज़ा असली है, असली पहाड़ों में चलाने का, सांपों की तरह बिल्कुल रास्ते हैं ऐसे टेढ़े मेरे। यहाँ पे एक मंदिर है, प्रणाम कर दो और जय माँ का लिख देना कमेंट में आप लोग। यार बड़े 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 क्या बताऊँ यार, बड़े टेढ़े मेढ़े रखते हैं यार, बंद करता हूँ तो मेरा। यहाँ पे उन्होंने रुक गए, गाड़ियाँ पास से निकली। ये देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है भाई, सो इतना बड़ा लैंडस्लाइड, इतना सारा लैंडस्लाइड, नीचे देख लो इतना गहराई है। तो यहाँ पे रुके हम लोग,
ज़्यादा दिन बस सब मिलते हैं, बस 2 मिनट और उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। मैं देखो यार वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, तो अभी मैं जिम करता हूँ, ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये ऐसे बादल होते हैं, ऐसे यही बादल बनता है, और ऊपर जो वैसे ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ये वाला ये इसकी तरह बन के ऊपर जाता है, धीरे ऐसे ही बादल बनते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही बादल। तो ये है हमारी अलकनंदा, हाँ अलकनंदा है, और साथ इसका कुछ देर के लिए छूट गया था इस नदी का, बट मिल गई है साथ, तो साथ साथ चलते हैं अब ऋषिकेश। लो यार पहुँच गए हम लोग ऋषिकेश, ये ऋषिकेश अभी नहीं अभी आगे, देखिए वो आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण जुड़ा, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। फिलहाल तो आज हम लोग कहीं रुकने का बंदोबस्त किया जाए, और भूख भी बहुत लगी है, तो देखा जाए किसी गुरुद्वारे में अगर जगह मिलती है, देखो जा जाए कहीं कहीं गुरुद्वारा मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यार ये देखो ऋषिकेश सिटी है, अभी तो स्टार्ट हुई है सिटी, अभी बहुत बड़ी सिटी है, तो हमें तो गुरुद्वारा मिल गया है। तो आप लोग सोच रहे हो मैं फेस रिवील क्यों नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा है फेस रिवील करने में, तो ऐसे ही चलते हैं, मज़ा आता रहेगा। तो यार अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और हमने गुरुद्वारे में एंट्री ले लिया है, तो क्या है मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाया जो एंट्री का था। तो आज आप लोगों को मैं ना गुरुद्वारा दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार सा गुरुद्वारा दिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत है, मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि गुरुद्वारे में वॉइस ओवर देना मना है, मतलब आप वीडियो बोलते हुए नहीं बना सकते, बस ऐसे बना सकते हो बोलते हुए नहीं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो में दिक्कत कहाँ है। तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पे, कल ऋषिकेश को विजिट करेंगे अच्छे से, तो वो दिखाएंगे आपको। फिलहाल के लिए गुड बाय, सॉरी गुड नाइट, एंड जय हिंद वंदे मातरम।